हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस बहुत दिन हो गया हमने अपने चैनल पर ना किसी टिप ना ट्रिक्स ना किसी ट्यूटोरियल की बात की है। तो आज हम एक ट्रिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आपको जरूर बहुत पसंद आएगी। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हाय गाइस माय नेम इज शाही एंड यू वॉचिंग टेकी शाही। गाइस हम जब भी यूट्यूब ओपन करते हैं और फिर किसी वीडियो को ओपन करते हैं तो आपको जो स्टार्टिंग में जो आपको ऐड देखने के लिए मिलते हैं वो आपको बहुत ख़राब लगते हैं और कभी कभी आपको बहुत उससे चिढ़ होने लगती है। तो आज की वीडियो में आपको वही बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आप सिंपल एक स्टेप से वो 5 सेकेंड या 10 सेकेंड या 30 सेकेंड के जो ऐड रहते हैं उनको जल्दी ही 1-2 सेकेंड में आप हटा सकते हैं और अपनी वीडियो को आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। वैसे अगर आप YouTube की वीडियोस के ऐड को हटाना चाहते हैं हमेशा के लिए तो आपको उसके लिए YouTube प्रीमियम का ऑप्शन मिलता है। मतलब आप पैसा देके YouTube को 200 महीने के या 180 या उससे कम या उससे ज़्यादा आप पैसे देके YouTube को 1 महीने की मेंबरशिप ले सकते हैं या फिर 6 महीने साल भर की मेंबरशिप ले सकते हैं। उसमें आपको क्या क्या होगा कि आपको जो प्रीमियम जो ऑप्शन रहते हैं वो मिलेंगे। उसमें से एक ऑप्शन ये भी है कि आपको YouTube में एड्स नहीं देखेंगे। तो आपको 200, 500 या 1000 रुपये खर्च करने से अच्छा आपको एक ट्रिक मालूम पड़ जाए जिससे आप YouTube के ऐड को हटा सके और अपनी वीडियो को एंजॉय कर सके तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं जो जो कर रहा हूँ वो आपको भी दिख सके और आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। तो स्क्रीन रिकॉर्डर हमारा ऑन हो चुका है तो हम सबसे पहले जाएंगे YouTube एप्लीकेशन में। यहाँ पर हम गए और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमको बहुत सारी वीडियोज़ मिल रही है। यहाँ पर एक वीडियो हम ओपन करते हैं, ये वीडियो इसमें जो ऐड आ रहा है आपको सिंपली क्या करना है, आपको वीडियो को हटाकर दोबारा वीडियो ओपन करना है। हम इसको बैक करें, कट करें वीडियो को और दोबारा वीडियो को ओपन करें तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में ऐड आना बंद हो गया है। क्योंकि ये ऐड एक बार आता है, दो बार आता है, उसके बाद दो ऐड रहे तो दो बार आता है, उसके बाद ये ऐड बंद हो जाता है। तो इसी तरह आप वीडियो के ऐड को हटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरे वीडियो में जाएं, यहाँ पर एक वीडियो दिखाई दे रहा है, इसमें गए, इसमें आपको ऐड नहीं मिल रहा तो हम इसको हटाएंगे। तो यहाँ पर एक दूसरा आपको ऐड देखने को मिल रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, उसको बैक करके वीडियो को कट करके आपको दोबारा वो वीडियो ऑन करना है। तो वीडियो कट हो गई, ये कैमरास इन एक्शन ये वीडियो थी, इसको हम दोबारा ओपन करें तो आपको ऐड देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यही एक सिंपल ट्रिक थी। आपको अगर किसी वीडियो में स्टार्टिंग में ऐड मिल रहा है तो उसको सिंपली क्या करना है, वीडियो क्लोज करना है और दोबारा उस वीडियो को ओपन करना है, आपको वो ऐड देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन किसी किसी वीडियो में आपको डबल ऐड देखने के लिए मिलते हैं, दो दो ऐड्स देखने के लिए मिलते हैं, तो उसमें आपको सिंपली क्या करना है, आपको मालूम पड़ गया होगा कि आपको वीडियो कट करना है, दोबारा ओपन करना है वीडियो को, फिर उसमें दूसरा एक ऐड चलेगा तो उसको भी कट करके सिंपली दोबारा उस वीडियो को ओपन कर लेना है। उससे आपके वीडियो जो वो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें ऐड नहीं आएगा, वो ऐड स्किप हो जाएगा और फिर आप वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है, आपको मालूम ही पड़ गया होगा कि इस तरह के ट्रिक आप अप्लाई करके सिर्फ स्टार्टिंग के ऐड ही 1, 2 या 3 ऐड हटा सकते हैं, बीच के जो ऐड आते हैं उसको आप हटा नहीं सकते। क्योंकि अगर आपको बीच के ऐड हटाने हैं तो आपको वीडियो को क्लोज करके दोबारा ओपन करें तो शायद वो वीडियो रिज्यूम ना हो और आपको स्टार्टिंग से वीडियो देखने के लिए मिले और इससे आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। अब शायद आपके मन में यह ख्याल आ रहा है कि यूट्यूब का जो ऐड रहता है वो स्किपेबल भी रहता है, मतलब आप 5 सेकेंड 10-15 सेकेंड बाद उसको स्किप कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कट करने के बाद और फिर दोबारा वीडियो ओपन करने में तो टाइम जा ही रहा है, तो ये बात सही है। लेकिन आप वीडियो को जल्दी कट करके दोबारा ओपन करें तो आपको 1 या मैक्सिमम 2 सेकेंड लगेगा अगर आप सही से करें। लेकिन अगर आप ऐड को स्किप करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 5 सेकेंड तो लगता ही और ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड 15 सेकेंड पूरा आपको लगता है। तो इस ट्रिक को अप्लाई करके आप फटाक से उस वीडियो को बंद करके, ऐड को बंद करके दोबारा वीडियो को ओपन करके आप देख सकते हैं। तो यही एक सिंपल ट्रिक बतानी थी आपको। अगर आप इसके बाद YouTube की वीडियो देख रहे हैं तो इस ट्रिक को ज़रूर अप्लाई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।